के आपको बता दें कि विशेष अदालत क्रम नंबर 1 महानगर द्वितीय ने 13 साल की नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 82,000 रुपए का, आपको बता दें कि यहां पर जुर्माना भी लगाया है 42,000 रुपए का। और अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण करके उसके साथ एक से ज्यादा बार दुष्कर्म किया है, जो कि गंभीर और घृणित अपराध है। दूसरी ओर अभियुक्त का कहना था कि पीड़िता अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन कोर्ट ने अभियुक्त की दलील मानने से इनकार करके कहा कि कानून में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है।